नमस्कार। चीन की घटिया सोच से हर कोई वाकिफ है। चीन गाहे बगाहे ऐसी करतूत करता ही रहता है जिससे उसकी किरकिरी दुनिया भर में होती है। ताजा उदाहरण तो कोरोना ही है। चीन के वुहान से ही ये वायरस पूरी दुनिया में फैला। इसको लेकर अभी चीन की आलोचना खत्म भी नहीं हुई थी कि अब इस देश ने फिर से ऐसी ही नीच हरकत की है जिसके सबूत दुनिया के सामने आ गए। दरअसल चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में गंदगी फैलाई जा रही है। चीनी जहाजों द्वारा दक्षिण चीन सागर में मानव अपशिष्ट गिराए जा रहे हैं। न सिर्फ मानव अपशिष्ट बल्कि गंदा पानी भी फेंका जा रहा है। इससे वहां शैवाल पैदा हो रही हैं, जो कोरल रीफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। बताते चले, कोरल रीफ को हो रहे नुकसान का खामियाजा यहां रहने वाली मछलियों को हो रहा है। उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। चीन द्वारा किए जा रहे इस कृत्य की तस्वीरें सैटेलाइट द्वारा दुनिया भर में फैल गई, जिसके बाद चीन की जमकर किरकिरी हो रही है। ये काम चीन बरसों से कर रहा है, लेकिन किसी को इसकी कानों कान खबर नहीं हुई। अमेरिका के एक्सपर्ट ने बताया है कि चीन ये काम कई सालों से कर रहा है, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं गई। ये जलीय इलाका विवादित है और इसी का फायदा चीन उठा रहा है। चीन इस तरह से प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है, उसे जहरीला कर रहा है, जीवों को मार रहा है। पिछले 5 सालों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जो ये दिखाती हैं कि चीन का स्तर कितना गिर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इंसानी अंगों का कचरा, मल, उद्योगों और सीवेज का गंदा पानी लगातार दक्षिण सागर में डंप किया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर जलीय इलाके में खतरनाक एल्गी पैदा हो रही है, जो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा खतरा है। सिमिलैरिटी इंक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का निर्माण करती है, जो सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करती है। इस विश्लेषण से पता चला है कि 17 जून को यूनियन बैंक्स नाम के अंतर्राष्ट्रीय एटॉल के पास 236 जहाज देखे गए। इन जहाजों के जरिए कचरा डंप किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर चीन के अधिकारियों ने कहा है कि वो ये काम नहीं करते, बल्कि वो इन जहाजों के जरिए दक्षिण चीन सागर में मछलियों और पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रहे हैं। चीन भले ही मानने को तैयार ना हो, लेकिन उसकी ये ओछी हरकत जगजाहिर हो चुकी है। आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर पर चीन हमेशा अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस समेत कई छोटे छोटे देश ये दावा करते हैं कि ये जलीय इलाका उनका है। बस इसी को लेकर अमेरिका और चीन में तनातनी रहती है। बहरहाल, चीन की इस घिनौनी हरकत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।